क्या बटो ना, ये जनता की जीत है। हाँ। और जो पिछले 5 वर्षों से पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मुद्दे लेकर के लगातार जनता के बीच में बनी हुई थी, शुरुआती रुझान जब आए तो कर्नल सोनाराम चौधरी आपको पछाड़ रहे थे? नहीं, वो तो जैसे वोट जिन गांवों से जितने आने थे उतने वोट आ रहे थे, वो सब आज ये 5वां चुनाव है। हाँ। हम लोग लगातार लड़ रहे थे, बूथ के एक एक गांव की जानकारी थी। के विष्णु का सपना था एक बार विधायक बनना और जनता की सेवा करना, पूरा हो गया? नहीं, मेरा बिल्कुल सपना नहीं था, ये जनता की इच्छा थी कि मेरे को यहाँ पर आना चाहिए, जनता की इच्छा के अनुरूप ये सब काम। कितना संघर्ष करना पड़ा था? लगातार संघर्ष ही है, जीवन ही संघर्ष है अशोक। तो सर देखिए, चुनाव आज जो है परिणाम भी आ चुके हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो भाजपा यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। फोन वोन आ गए कि ऊपर से? अभी तक तो हमारे तो कार्यकर्ताओं के फोन ज्यादा आ रहे हैं और सवेरे से धन्यवाद दे रहे हैं, यदि कोई फोन आ भी रहा तो हमें तो पता नहीं है। जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? जनता को, गुड़ामालानी की जनता, कार्यकर्ता, उन सब ने मिल करके और आज इस जगह पर पहुंचाया है और जनता जनार्दन है। के विष्णोई वसुंधरा राजे के बहुत ही नजदीकी लोगों में से माने जाते हैं, संगठन में भी अच्छा काम है, तो ये मांग करेंगे भी मेरे को मंत्री बनाया जाए? मांग हम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता होता है, कभी भी वो कोई भी पद के लिए मांग नहीं करता है। पार्टी को जो उचित लगता है पार्टी अपना निर्णय लेती है और उचित स्थान पर जिसके योग्य जो कार्यकर्ता होती है वो पार्टी निर्णय लेती है, कभी भी कभी मांग नहीं की जाती है। बिल्कुल, ये जनता की जीत है। हाँ। और जो पिछले 5 वर्षों से पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मुद्दे लेकर के लगातार जनता के बीच में बनी हुई थी, शुरुआती रुझान जब आए तो कर्नल सोनाराम चौधरी आपको पछाड़ रहे थे? नहीं, वो तो जैसे वोट जिन गांवों से जितने आने थे उतने ही वोट आ रहे थे, वो सब आज ये 5वां चुनाव है। हाँ। हम लोग लगातार लड़ रहे थे, एक बूथ की एक एक गांव की जानकारी थी। के विष्णु का सपना था एक बार विधायक बनना और जनता की सेवा करना, पूरा हो गया? नहीं, मेरा बिल्कुल सपना नहीं था, ये जनता की इच्छा थी कि मेरे को यहाँ पर आना चाहिए, जनता की इच्छा के अनुरूप ये सब काम। कितना संघर्ष करना पड़ा था? लगातार संघर्ष ही है, जीवन ही संघर्ष है अशोक। तो सर देखिए, चुनाव आज जो है परिणाम भी आ चुके हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो भाजपा यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। फोन वोन आ गए कि ऊपर से? अभी तक तो हमारे तो कार्यकर्ताओं के फोन ज्यादा आ रहे हैं और सवेरे से धन्यवाद दे रहे हैं, यदि कोई फोन आ भी रहा तो हमें तो पता नहीं है। जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? जनता को, गुड़ामालानी की जनता, कार्यकर्ता, उन सब ने मिल करके और आज इस जगह पर पहुंचाया है और जनता जनार्दन है। के विष्णोई वसुंधरा राजे के बहुत ही नजदीकी लोगों में से माने जाते हैं, संगठन में भी अच्छा काम है, तो ये मांग करेंगे भी मेरे को मंत्री बनाया जाए? मांग हम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता होता है, कभी भी वो कोई भी पद के लिए मांग नहीं करता है। पार्टी को जो उचित लगता है पार्टी अपना निर्णय लेती है और उचित स्थान पर जिसके योग्य जो कार्यकर्ता होती है वो पार्टी निर्णय लेती है, कभी भी कभी मांग नहीं की जाती। बिल्कुल, ये